वंदे गुरुपद्द्वंद्व भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निनंदसहोदित श्रीनंद नंदन वंदे राधिका चरणोद गोपीजन सामुक्त बिंदावन मनोहर सिंधु सिंधुवच पतितान पावुने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लंग, लंग हितगिरी यम बंदे परमानंदमाधव बृंदावई तुलसीदेवी पिया वई केशवश्न देवी सत्व नमो नम નારાયણ নমস্কৃত নरुण जयวนরত্তম দেবিংস্বরস্বതിং ব্যাসম ততোজয়ো ওম ধীরে সংকীর্তনে কৃষ্ণ কথোপদেশ গৌরী অপত্রৈঃ প্রস প্রকাশনেচ সদানুরক্ত গুরু ভক্তিযুক্ত ভক্তি प्रमोद अक्ष देयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं तं शरण्यं भीत्तात्यहं पनुतपाल्लभवाद्दिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिक्षटाय किमपि पूर्णाग्र ससागर सारूर्ति साराधिका कदा नित्यानंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनतानंद्रियात गदाधर शिव सदी गौरभक्तिंद श्रीकृष्णचैत प्रभुनतानंदतगदाधर शिव सदी गौरभक्तिंद হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে আজানু লবিত ভুজৌ কনকীর্নৈকিতর কমলা विषम्बरु दिजबरु युगधर्मपालु वन्दे जगत्प्रियकरु करुणाभारु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भक्तिं च मुक्तिं च ददासि निं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरी गौरीर विभूषी तवाम तो भाग नारायण प्रियमदापहारम वरासिपुरपति भजबीशनाथ वागीशुष्वदने लक्ष्मीर्जस च वसीस्ते हृदय तम निशिंगमहम भजे

सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा जगत गुरु जी ने बताएँ जगत का ऊपर आधिपत्य विस्तार करने का दृष्टिभंगी लेकर अगर जगत दर्शन करने जाए तो ये मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएगा गौरी गोष्ठी पोती श्री भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहोपात जगत गुरु जी ने बताएँ जगत का ऊपर आधिपत्य विस्तार करने का दृष्टिभंगी लेकर अगर हम जगत दर्शन करने जाए तो ये मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएगा पोपाद अक्सर कहते थे जब बद्धजीबों का हर वक़्त लघु दर्शन होता है बद्ध जीवों का कभी भी बद्धजीवों का लिए हर वक्त लघु दर्शन होता है गुरु दर्शन कभी नहीं होता है वो बात कहते थे ये जड़ जगत और अप्राकृत जगत का बीच में एक हेवन एंड हेल डिफरेंस अप्राकृत जगत का साथ ये प्राकृत जगत का इतना बिस्तर डिफरेंस है इतना गैपिंग है अब बिग गल्फ जो बद्धजीवों का लिए गुरुदर्शन होना संभव नहीं है गुरुदर्शन होता नहीं कौन वैष्णव है कौन गुरु है वैष्णव कौन है गुरु कौन है इसका विचार जीव कर नहीं सकते कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है ये विचार किसी जीव का हाथ में दिया नहीं जा सकता जीव का विचार का एख्तियार में नहीं है कोई बद्ध जीव का हाथ में रहे ये विचार ये वैष्णव है ये वैष्णव नहीं है ऐसा विचार हो नहीं सकता जीव का ये तो गलत दर्शन है गुरु सेवा छोड़कर भगवत दर्शन हो ही नहीं सकता किसी ने प्रश्न किया प्रभुपाद जी को भगवत दर्शन कैसे हो सकता है पोपा जी ने उत्तर दिया गुरु छोड़ कर भगवत दर्शन हो ही नहीं सकता पहले गुरु दर्शन होता है इसके बाद भगवत दर्शन होता है गुरु दर्शन अगर नहीं हुआ तो भगवत दर्शन होने का कोई संभावना नहीं है क्यों क्योंकि गुरुपाद पद्म एक अप्राकृत माध्यम है गुरुपाद पद्म एक अप्राकृत स्वच्छ माध्यम है ट्रांसपेरेंट मीडिया और ट्रांसेंडेंटल मीडिया और स्वच्छ माध्यम है जिसके द्वारा अपराकृत जगत का दर्शन संभव है गुरुपाद पद्मों गुरुचरण का माध्यम अगर गुरुदर्शन हुआ तो भगवत दर्शन होना संभव है बाकी तो भगवत दर्शन होना बिल्कुल संभव नहीं है एवं गुरुपशनक भक्त्या विद्या कुठरेन सितेन धीर जीवा जीवाशयमय अफ्रमत्व संवृश्य आत्मन मथो आश्रम गुरुपाद पद्मों का सेवा प्रोपाद कह रहे हैं जे दूर से कुछ सेवा कर दिया ऐसा नहीं ये भी हो सकता है दूर में रहकर गुरुजी गुरु जी का सेवा हो रहा है और गुरु जी का एकदम नज़दीक रहकर भी गुरु सेवा नहीं हो रहा है ऐसा भी होता है गुरु जी का पास रह के भी गुरुदर्शन नहीं होता है और गुरु जी से बहुत दूर रह के भी सेवा होता है कैसे संभव है ये कैसे संभव है गुरुजी का करीब रहते हुए भी गुरुदर्शन नहीं हो रहा है सेवा नहीं हो रहा है बाहरी दृष्टि में गुरुजी का कपड़ा धो रहा है गुरुजी का खाना बना रहा है गुरुजी का तमाम सेवा कर रहा है लेकिन अंतिम में देखा जाए तो उसका पतन हो जाता है हाउ इज दैट पॉसिबल ये संभव कैसे है इतना गुरुजी का सेवा किया लेकिन पतन हो गया कैसे गौड़ियमठ का सिर्फ गौड़ियमठ का नहीं चारों संप्रदाय का किसी भी संप्रदाय में एक स्टैटिस्टिक निकाले विचार करके देखे ये चारों संप्रदाय में गोड़िया संप्रदाय में जैसा एक स्टैटिस्टिक देखे जो जितना गुरुजी का करीब करीब रहा उसका उतना ही मेट्रियल दर्शन हो गया जोशो साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरी सुतम तस्व सर्वम कुंजरो गुरु जी का करीब रहा लेकिन मेटेरियल दर्शन हो गया एक तमाम स्टैटिस्टिक निकालो अब देखोगे इफ नॉट मोर यदि अगर ज्यादा नहीं है तो कम से कम 98 परसेंट तो है ही है जो गुरु सेवा किया है बाहरी दृष्टि में गुरु जी का साम सामने के रहते हुए उसका पतन हो गया कैसे संभव है क्योंकि गुरु जी का सेवा करते हुए उसका मेटेरियल दर्शन हुआ गुरु जी का सेवा करते समय इसका मेटेरियल दर्शन हो गया तो समाधान क्या है गुरु जी का सेवा ना करे शास्त्रों का विचार है भगवत प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया बेहतर ये रास्ता है गुरु जी का सेवा करना और गुरु जी का कर गुरु जी का सेवा करते समय अगर गलती हो गया मेट्रियल दर्शन हो गया तो उसका पतन तो ज़्यादा हिसाब करके देखे ज़्यादातर आदमी मेट्रियल दर्शन करे तो उसका ही पतन हो जाए और इसमें एक सिद्धांत तो विचार है जो गुरुजी का बानी सेवा और बोपू सेवा साइमल्टेनियसली करे गुरुजी का बोपू सेवा किया शरीर का सेवा बहुत किया लेकिन गुरु जी का वानी का सेवा नहीं किया अगर गुरु जी का गुरु जी का बोपू का सेवा शरीर का सेवा किया लेकिन वानी सेवा नहीं किया तो इसका पतन हंड्रेड परसेंट होगा ही होगा बानी सेवा और बपू सेवा साइमल्टेनियसली अगर चले एक साथ मेरा कहने का मतलब है जब तक गुरुजी का बानी स्वरूप का अनुभव ना हो जब तक गुरुजी का बानी सेवा बानी बानी स्वरूप का गुरुजी का ये जो शरीर है हमारा विचार के अनुसार ये मांस का है खून पसीना है सब कुछ है लेकिन गुरु जी का जो अपराकित शरीर है सबसे सबसे वाइटल पॉइंट यह है गुरु जी का गुरु जी का जो बानी स्वरूप का दर्शन जैसे पोपा जी का दादोशकम आप करते हो ना, विचार क्या करते हो पूरी जी का कृपया हरि कीर्तन धरम धरनी भर हार गौर जनम जनकादिक वसल स्निग्ध पदम प्रणमाि सदा पदम ये क्या बताया कृपया हरि कीर्तन मूर्तिधरम गोलोक गोलोक वैकुंठ से गोलोक वैकुंठ से भगवान का इशारा का अनुसार भगवान का प्रेरणा का अनुसार गुरु वैष्णव बैकुंठ जगत से गोलोकधाम से इधर कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धर्म हरि कीर्तन मूर्ति ये विश्वास नहीं होगा आदमी का हरि कीर्तन मूर्ति हरि कीर्तन अगर वैकुंठ जगत से एक मूर्ति पकड़ कर आता है तो उसका नाम गुरुजी है ध्यान दे बात पर ये बात का विश्वास नहीं होगा साधारण आदमी का जो का था कंटिन्यूसली नहीं सुन रहा है जो भजन नहीं कर रहा है इसके लिए संभव नहीं ये अनुभव करना गुरु वैष्णव और प्राकृत जगत से एक बानी स्वरूप लेकर इधर आता है लेकिन हमारा नज़र में सिर्फ गुरु जी का मेट्रियल दर्शन ही हो रहा है ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है इसके लिए भजन में तरक्की नहीं हो रहा है अब प्रश्न आता है क्या बानी को देखा जाता है क्या क्या कह रहे हो आप बानी को देखा जाता है हाँ बानी को देखा जाता है बानी का भी स्वरूप है प्राकृत जगत में जो साउंड वाइब्रेशन होता है उसको भी अगर रिकॉर्डिंग किया जाए तो देखोगे उसका भी जैसे ये जो हार्ट का जो वाइब्रेशन का कार्डियक ग्रैफ कार्डियोग्राफ ये हार्ट का वाइब्रेशन का नक्शा ऐसा साउंड का मेटेरियल जगत में ये विचार है ये मेटेरियल जो साउंड हो रहा है जिसका रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका एक नक्शा हो रहा है मतलब स्वरूप है लेकिन अपरागिक जगत का विचार करो तो उसमें देखोगे गुरु जी का वाणी का स्वरूप होता है अनादि निधनम ब्रह्म शब्द शब्द तत्व जदकक्षरम ये जो श्लोक का वेदों से श्लोक का विचार करके दिखाए तो देखोगे परम पूज्य केशव को श्री महाराज इसका बारे में बड़ा भारी सुंदर चर्चा की कहने का मतलब है जो वस्तु का मैं सेवा करना चाहूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड ध्यान दे जिस वस्तु का मैं सेवा करना चाहता हूँ वो वस्तु अगर मेरा नज़र में नहीं है आउट ऑफ माई साइट हमारा विचार का अंदर भी नहीं आ रहा है मेरा मेटेरियल इंटेलैक्ट मेरा मानी पावर मेरा मैन पावर जो कुछ भी है ऑल योर मैन पावर मनी पावर एजुकेशनल पावर व्हाट एवर पावर यू हैव यू कैन पुट इन वन प्लेस स्टिल और प्राकृतिक जगत का वो जो विषय है ये विषय को समझने के लिए आपका पास उतना ताकत नहीं है जितना भी हमारा पास पावर है सारे पावर इकट्ठा कर दे फिर भी अपराखी जगत का जो विषय है समझने के लिए ये काफ़ी नहीं है कुछ नहीं है समझ नहीं पाओगे कहने का मतलब है जो गुरुपात पद्मों को हम देख नहीं सकता जो गुरुपात पद्मों को मैं समझ नहीं सकता जो गुरुपात पूर्णों का जो बानी है वो मेरा समझ का बाहर है तो वो वस्तु का सेवा कैसे किया जाए आई बात समझ में जो वस्तु मेरा जो वस्तु मैं सेवा करने सेवा करने जा रहा हूँ जो वस्तु का सेवा मैं करने जा रहा हूँ लेकिन वो वस्तु मेरा नज़र का बाहर है मेरा विचार का बाहर है क्योंकि बद्धजीव जो है हर वक़्त एनालिटिकल जजमेंट करता है एनालिटिकल जजमेंट बद्धजीव ऑलवेज बोलो बद्धजीभ का एक स्वभाव है इसलिए पोपात कहते थे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आपका जुक्ति विचार जो है ये अपराकृत जगत का विचार करने जाओ तो ये आप कामयाबी नहीं मिलेगी यह तो वाच निवर्तन थे अप्राप्य मनुषास हो अब धक्का लग के यू कैन गेट ए फीडबैक यू कैन कम बैक फेल्योर हो जाओगे संभव नहीं है इसके लिए अपरागिक जगत का गुरु वैष्णव का सेवा करने के लिए पहले चाहिए और प्राकी जगत का जो गुरु वैष्णव का सेवा मैं करना चाहता हूँ इसके लिए अंदर से निष्कपट रूप से वासना जब आप कीपा करके मेरा सेवा को गोहन करे तो कर सकता असली बात तो ये है मठ मंदिर में हो जहाँ भी हो आप देखे होंगे जे गुरु वैष्णव का सेवा कोई सेवा करता है आपने देखे हैं कोई किसी ने किसी सेवक गुरु का सेवा कर रहे हैं आपने देखे होंगे किसी ने गुरु वैष्णव का सेवा करते हैं लेकिन मेटेरियल अवस्था में गुरु वैष्णव का सेवा संभव नहीं ये तो गुरु जी कृपा करके इसको सेवा में ले ठीक है तू कर टूटा फूटा सेवा जो भी तेरे से बन पाए कर बाकी मैं हूँ बाकी मैं हूँ योग्यता बिचारे किचु नहीं पाए तुम्हारो कोरोना सारो अगर क्वालिटी विचार करने जाए तो गुरुपाद पद्मो मेरे को दीक्षा नहीं दे सकता क्यों क्यों अगर गुरुजी अगर गुरुजी मेरा क्वालिटी को विचार करने जाए तो मैं काबिल नहीं हूँ आई कैन नॉट गेट दीक्षा दीक्षा पढ़ने का ये तो उसका अहे तुग कोरोना है मेरे को सेवा देने के लिए आगे ठीक है तू कर ले टूटा मोटा सेवा कर मैं हूँ बाकी यहाँ एक क्वेश्चन है अक्सर शिला बामन गुस्से महाराज का पास भी ये क्वेश्चन आता मेरा पास भी आता है और एक ही उत्तर अक्सर आदमी पूछते हैं महाराज ऐसा क्यों होता है बहुत सारे भक्तों लोग ऐसा क्वेश्चन करता है ढेर सारे व्यक्ति ढेर सारे इनो व्यक्ति गुरुचरण आश्रय लेने के लिए आता है सेवा करने के लिए आता है मठ मंदिर का सेवा करने के लिए आता है लेकिन बाद में देखा जाए ये इसका सेवा नहीं हो पाता या तो घर वापस चले जाए या तो मठ में रहे कैसे रहे जस्ट लाइक ए होस्टल विथ ए ड्यू कंटैक्ट एक साथ रसोई होगा खाना पीना होते रहेगा आराम से हम आए आराम करें विथ दिस कंटैक्ट दे आर गोइंग टू स्टे वे लोग मठ मंदिर रह रहा है ये मठवास नहीं है इसका बारे में बहुत सारे आर्टिकल हैं शिल प्रभुपाद शिल भक्ति पौत पूर्गी महाराज सारे भक्त लोग इस बारे में डिटेल्स चर्चा की क्यों नहीं हो रहा है ये तो आने का समय में सेवा करने के लिए आया लेकिन क्यों नहीं हुआ क्या कारण हो सकता महाराज विचार ये बनता है जो सेवा करने के लिए आ रहा है हो सके तू प्राइमरीली जो आ रहा है उसका ठीक है थोड़ा बहुत श्रद्धा लेके आ रहा है लेकिन श्रद्धा का भी कैटेगरी है एक है एक है आपका कोम एक है आपका लौकिक श्रद्धा और दूसरा है शास्त्रीय श्रद्धा ये बामन मुशी महाराज मेरा गुरुजी ये भी यही कहते थे ये इसलिए इसका पतन हो रहा है चले जा रहा है मठ से या तो मठ में रहे वो इसका मठ में रहना तो मठ में रहना नहीं है कोमोट में रहना गुरु जी कहते थे कोमोट में रहना मठ में रहना और कोमोट में कोमोट कोमोट में रहना टट्टी खाना में दोनों एक नहीं है ये इसलिए है ये ये कोमल ये थोड़ा लौकिक श्रद्धा लेके आया है लौकिक श्रद्धा का मतलब क्या है लौकिक शुद्धा का मतलब है जे बाहरी दुनिया में जो जिस कुछ दादी माँ को या तो पड़ोसी को किसी को कोई दोस्त को या तो कोई भक्तों को देख के इसका अंदर में थोड़ा इच्छा पैदा हुई हम करेंगे लेकिन इसका लिए जो फाउंडेशन है मैच्योरिटी है ये नहीं बन पाया क्योंकि इसका लौकिक श्रद्धा है लौकिक मतलब बाहरी विचार से उसका श्रद्धा जैसा लग रहा है ऐसा पैदा हुआ तो ये इसीलिए मठ में आया और ये श्रद्धा धीरे धीरे गुरु वैष्णव का सेवा हरिकथा सुनते सुनते निष्कपट भाव से विचार करते करते जब तक शास्त्रीय जब तक शास्त्रीय श्रद्धा में नहीं बदल जाए तब तक देर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ डाउन आई बात समझ में जब तक ये जो ये जो आपका लौकिक श्रद्धा ऐसा नहीं कि लौकिक श्रद्धा लौकिक श्रद्धा ही रह जाए ऐसा नहीं लौकिक श्रद्धा धीरे धीरे तरक्की होते होते आगे चलकर गुरु वैष्णव का कीपा निष्कपट भाव से लेते हुए कोई अपराध ना हो ऐसा विचार करते हुए आगे चल के शास्त्रों का विचार हरिकथा सुनते 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 अल्टीमेटली ये शास्त्रीय श्रद्धा में बदल बदल जाए ये संभव है जब शास्त्रीय शुद्धा में बदल जाए शास्त्रीय श्रद्धा में प्रतिष्ठित कोई आदमी को धक्का मुक्का लगा के या बाहरी दुनिया का कोई थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा माया का वस्तु दिखा के उसको गिराना संभव नहीं शास्त्रीय शुद्धा में इसका जुक्ति पैदा होता है हृदय में स्टेबिलिटी आ जाता है थोड़ा थोड़ा फिर भी पतन होता है ऐसा नहीं कि पतन नहीं है कहने का मतलब है सब कुछ डिपेंड करता है कैसे निष्कपट भाव से ये व्यक्ति ये जो जीवात्मा गुरु वैष्णव चरण में आया है और अपने को गुरुचरण में दिया है कि नहीं पोपात का कहना है अगर आप अगर आप आपका मंगल का पूरा जुमा मेरा ऊपर छोड़ोगे देन आई कैन सेव यू पोपात का कहना है आप अगर आपका मंगल अमंगल का पूरा विचार अगर मेरा हाथ में देने के लिए तैयार हो देन आई कैन सेव यू अदरवाइज आई कैन नॉट सेव यू जो लोग अपना मंगल और अमंगल का विचार टोटली हमारा हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है आई कैन नॉट गिव एनी गारंटी दैट आई कैन सेव दैम संभव नहीं है संभव नहीं है जब तक जीवात्मा अपना तरफ से संपूर्ण रूप से तो होकर गुरुचरण में प्रपत्ति स्वीकार ना करे तब तक गुरु सेवा का शुरुआत नहीं होता आप पोपात कहते थे पोपात भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु जो पोपात कहते थे जे गुरु सेवा गुरु दर्शन अगर नहीं हुआ तो भगवत सेवा का प्रारंभ नहीं होता घबरा नहीं जाना इस बात सुनकर ये घबराने वाला बात है लेकिन घबराना नहीं वो बात कहते थे गुरु दर्शन नहीं होने से गुरु दर्शन नहीं होने से भगवत सेवा का प्रारंभ नहीं होता यू कैनॉट स्टार्ट इवन योर भजन यू कैनॉट स्टार्ट भजन शुरुआत नहीं होता क्या कहते हो तो हम कहते हैं हमने दिखा लिया चालीस साल हो गया बीस साल पच्चीस साल पचास साल हो गया कैसे कैसे संभव है कि पचास साल हो गया मैंने दिखा लिया फिर भी हमारा अंदर में आगे अभी भी संशय है डाउट्स है क्वेश्चन है बहुत हमारा कोई सलूशन नहीं है मरते दम तक अगर हम भजन करें अगर मरने का समय हमारा अंदर में गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम किसी भी भगवत सेवा संबंधित भगवत सेवा संबंधित किसी विषय में गुरु वैष्णव भगवान नाम धाम परिकर वैश्व टोटल परफर न लिया ये सब चीज़ों का बारे में हमारा थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन है ध्यान देना हमारा अंदर में अभी भी संशय है ये कैसे हो सकता अगर ऐसा डाउट्स है हमारा अंदर में भगवान का नाम धाम परिकर वैशिष्ट गुरु सब तो हमको सिद्धि नहीं मिलेगी आई कै नॉट कम आउट सक्सेसफुल इन भजन संशय आत्मा विनश्वति जो संशय है उसका भगवत स्वरूप में भगवान नाम में भगवत धाम में भगवत भक्तों में अभी 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 बताया ना भगवत से जोशो भगव जोशो भगवती ज्ञानोदीप प्रदे गुरऊ मर्तो शादी सुतम तस्व सर्वम कुंज रसौच जिसका गुरु में प्राकृत दर्शन है मेटेरियल दर्शन है वो कितना भी क्यों ना सेवा कर ले। लेकिन उसका सेवा कैसा है जस्ट लाइक एन एलिफेंट गोइंग टू टेक बार्थ हाथी हाथी का स्नान देखे हैं ना हाथी स्नान करते हैं हाथी बहु आनंद से स्नान करने का स्नान मनाते हैं स्नान करने का बाद फिर ऊपर आके जितना ज जितना मैदान का धूली है सब ये सब उठाकर आ करके शरीर में पाउडर दे देते हैं पाउडर जितना सारे डस्ट पार्टिकल है <laughs> उधर से उठाकर शरीर में अरे महाराज तो नहाने का नहाने का क्या नहाने का क्या दरकार था अगर कचराई लेना था शरीर में नहाने का क्या मतलब है वो ऐसा नाना तो भागवत जी महापुराण में इसका ऐसा उदाहरण दिया गया सुंदर सो साक्षात भगवती ज्ञानो दीप प्रदे गुरु मर्तो शादी सुतम तस्व सर्वम कुंजर और सोचो उसका सारे सेवा बेकार है इसीलिए आप स्टैटिस्टिक्स बनाओ मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ हकीकत है आप विचार करके देरना एक सटिस्टिक बनाओ किस किस ने गुरु जी का सेवा किया है और सेवा करने का बाद इसका हालत क्यों ऐसा हुआ है ये देखो विचार करके अभी विचार बनता है बाहरी विचार में बाहरी दृष्टि में श्री सिलो बामनगुसी महाराज जैसा महान वैष्णव है इनके तुलना तो मैं दे नहीं सकता बामन गुसिंह महाराज का तुलना जो है कंपैरिजन हम दे नहीं सकता ये मेरा हिम्मत नहीं बामन गुसि महाराज इज इक्वल टू बामन गुसि महाराज कैन बी कंपेयर्ड विद बामन गुसि महाराज इसका लिए कोई दूसरा कोई तुलना हमारा पास नहीं है व्याकरण में उपमान उपमा समास जिस वस्तु का मैं किसी का साथ तुलना करना चाहूं जैसे राम जी का श्री राम जी का मुख कमल तुलसीदास जी ने श्री राम जी का मुखकमल का तुलना किसी तेजमय वस्तु किसी स्निग्ध वस्तु सुंदरमय वस्तु का साथ तुलना करना चाह एक बार सोचा श्री श्री राम भगवान का रामचंद्र का मुखमंडल जो है कमल ये ठीक है सूर्य जैसा सूर्य भगवान का साथ अरे ये कैसे हो सकता सूर्यों का इतना तेज है जलन है लेकिन राम जी का दर्शन में इतना स्निग्ध भाव है तो कैसे तुलना नहीं नहीं हो नहीं सकता तुलसीदास जी ने तर्क उठाया अपने आप कभी सोचा चलो हम सूर्यदेव का साथ तुलना कह रहे बाद में से नहीं हो नहीं सकता ये बेकार है चलो ठीक है चंद्रमा का साथ तुलना किया जाए ऐ कैसे हो सकता चंद्रमा में कितना है कितना है कितना ए है स्टेन है हम लोग बोलते हैं बोलते है ना स्टेनलेस कैरेक्टर बोलते हैं ना चंद्रमा में कितना साल है ब्लैक स्पॉट है स्टेन है चंद्रमा का साथ कभी भी श्री रामचंद्र का मुख्य कमल का तुलना नहीं किया जा सकता बाद में तुलसीदास जी हर कर बाद में तुलसीदास जी हर कर कह दी ये रघुवर क मुख समान रघुवर मुख बनिया रघुवर का मुख जो है ओनली रघुवर का मुख्य तुलना उपमान उपमा, समास एक है हमारा पास दूसरा कोई वस्तु नहीं है जिसका उसका तुलना करें सीलो बामनगुसी महाराज का गुरु सेवा का जो प्रसंग है ये अगर कोई चर्चा करने जाए हम तो चर्चा करने का साहस करें तो इनके किपा के द्वारा क्योंकि हमारा मापिक बद्ध जीव का हिम्मत नहीं है कहां तक हम विचार करें सवाल ये हैं तो दुनिया में देखा जाता है जितना सारे गुरुवर्ग है गुरुवर्गों का सेवा भी बहुत आदमी किया है बहुत सारे सेवक यहाँ एक क्वेश्चन आता है गुरु वर्गों का सेवा किया है लेकिन किस भाव से किया है जैसे मैं एक उदाहरण दूँ श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ काला कृष्णदास रहा कि नहीं माई क्वेश्चन टू यू काला कृष्ण दास वॉज देर वि चैतन महाप्रभु थ्रू आउट हिज साउथ इंडिया ट्रिप यस ऑन नॉट काला कृष्ण दास दक्षिण भारत गमन में महाप्रभु का साथ गया था इतना भी मालूम नहीं है क्या है पीछे किया पानी का पात्र कपड़ा चुपड़ा सब कपड़ा पकड़ा महाप्रभु दोनों हाथ में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा करते करते चले पीछे काला कृष्णदास रहा अब मेरा क्वेश्चन आता है अगर काला कृष्णदास ने इतना ही गुरु सेवा किया है मतलब भगवान का सेवा किया है भगवान भी गुरु का रूप में आया है ना जैसे हमारा शास्त्रों में है कृष्णम वंदे जगत गुरु अरे कृष्ण तो भगवान है बोले ठीक ही है कृष्णम वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण चैतन्यम बंदे जगत गुरु जगत गुरु करु जगत गुरु का रूप में आया है भगवान अपना सेवा दिखाने के लिए ठीक है गुरु भी ऐसा कैसे तुम हमारा सेवा करते करते भगवत सेवा का बारे में अनुभव प्राप्त करोगे हाउ इज दैट पॉसिबल इसका बहुत सारे प्रमाण हैं ये कोई घंटा एक घंटा का चर्चा का विषय नहीं है लंबा चलते चले चर्चा कैसे संभव है एक गुरु सेवा का माध्यम में आई कैन गेट डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ भगवत सेवा चैतन्य चरिता में इस पर प्रमाण है कभी चर्चा करे तो इसका बारे में चर्चा हो सके लंबा चौड़ा बहुत सुंदर चर्चा ताते कृष्ण भये करे गुरु सेवन है ये जो विचार है इसका बारे में बहुत सुंदर खुलासा होना चाहिए अभी यह प्रश्न होता है अगर काला कृष्णदास ने महाप्रभु जी जी का पीछा किया अरे हम लोग तो अभी मरते दम तक कोशिश कर रहे हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु सपने में आए पोपात सपने में आए तो भी हम अपने को कित, कितार तो मानेंगे सपने में आए और वो तो डायरेक्टली ही वॉज विथ महाप्रभु का ए महाप्रभु का साथ पीछा किया थिंक इट मैं क्या कर रहा हूं इतना अब साउथ इंडियन ट्रिप में महापोजी का कितना समय लगा यू कैन गो एंड कैलकुलेट इतने समय तक माँपू का साथ रहा माँ का सेवा किया पानी का पत्रों लिया ये किया फिर इसका क्यों पतन हुआ मेरा क्वेश्चन है क्यों क्यों ये काला कृष्णदास काला कृष्णदास स्त्री संग ये जो भट्टो थारी का ए जो भट्टो थारी का ग्रुप में जो लड़की है इसको लोभ दिखा के उसको खींच के ले गया मेरा क्वेश्चन यह है अगर काला किश्वरदास ने महाप्रभु जी का पीछा किया और काला किश्वरदास का दर्शन गुरु दर्शन था तो इसका पतन कैसे हो हाउ इज पॉसिबल आई बात समझ में मैंने क्या किया अगर बलभद्र जी ट्राई टू अंडरस्टैंड बलभद्र जी ने महाप्रभु का नॉर्थ इंडिया ट्रिप, नॉर्थ इंडिया ट्रिप जो है अर्थात वृंदावन आदि इलाहाबाद वाराणसी तमाम जो ट्रिप है पूरा ये रस्ते में जाते हुए बलभद्र जी बलभद्र जी कितना रसोई किया कैन यू काउंट बलभद्र जी कितना रसोई करके खिलाया कैन यू काउंट आप काउंट करके बोल सकते हो इतना बार रसोई किया क्योंकि नॉर्थ इंडियन टूर में महाप्रभु का कितना समय लगा और शुरू से लेकर महाप्रभु का पीछे जा रहे है। ये ब्राह्मण है बहुत सुंदर अच्छा भक्त है बलभद्र जी और बलभद्र जी ऐसा भिक्षा करते हुए है ना बलभद्र जी साथ और भी एक थे पूरा झारीखंडों के रास्ते में गया महाप्रभु जी का प्रभाव देखा महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं और जितना सारे शेर है इतना सारे जंगली जानवर है सारे नित्य कर रहा है अरे सारे देखा डॉक्यूमेंट महाप्रभु का पीछे जाते जाते सारे देखा है जे महाप्रभु नित्य कर रहा है हाथी है और इन शेर है सारे नित्य कर रहा है महाप्रभु के साथ ये कैसा लाजवाब कैसा विचार है इतना दर्शन किए महाप्रभु जी का इन्फ्लुएंस भगवान जो है महाप्रभु जी भगवान है इसका थोड़ा एहसास किया थोड़ा बहुत फिर भी गलती क्यों किया मेरा क्वेश्चन है आपका पास कैसे गलती क्यों किया क्या गलती किया महाराज गलती नहीं किया जब वृंदावन पहुंचा जब वृंदावन पहुंचा महाप्रभु अक्रूर घाट जब वृंदावन पहुंचा वृंदावन का दर्शन करते हुए चौरासी कोस नहीं पहले जो आजू बाजू का दर्शन किए माँ पो इच्छा करके भजन करने के लिए इच्छा करके छुपा के रहा कहाँ अख्रूर घाट माँपभ अख्रूर घाट में मापो माँपो अख्रूर घाट में इच्छा करके छुपा के रहा क्यों ज़्यादातर आदमी डिस्टर्ब ना करे अब वहाँ भी आदमी आना शुरू कर दिया अब आते आते सारे एनो जो भक्त जो लोग आ रहा है ब्रजवासी है या तो बाहर का कोई आदमी है सब महाप्रभु का पास महाप्रभु का पास आके कह रहा है अरे रात को कालिया दोहो में कृष्ण नित्य कर रहा है नाथ को रात को महापोला अच्छा बोला है कौन देखे हैं बोले सारे सारे देख रहा है सारे देख रहा है कालिया दहो में रात का टाइम में नृत्य कर रहा है कालियोना का सर पे नृत्य कर रहा है कृष्ण सारे ये सब देखा है महाप्रभु बोले अच्छा हर देखा है हाँ सारे देखा है रात को नित्य करता है कृष्ण कालिया कालियोना का सर पर वो कालिया दहो में अच्छा बलभद्र जी ने बोला प्रभु मेरे को भी थोड़ा इजाजत दे दो मैं भी जाके कृष्ण का दर्शन करके आऊं अरे चुपचाप बैठे रहो प्रभु थोड़ा इजाजत दे दो मैं जाके ये ये वृंदावन में ये जो कालियादोह में कृष्ण नित्य करता है रात का टाइम में देख के आऊं आई बात समझ में मैं क्या कहूं विचार ये विचार जो है बहुत गहरा विचार है भक्तों लोग आके ऐसा बोल रहे हैं कि जब ब्रजवासी लोग महाप्रभु जी ने अंतिम में एक एक व्यक्ति को पूछा बहुत इंटेलिजेंट आदमी ये किसी का भड़काव में आने वाला नहीं है महाप्रभु ने इच्छा करके लीला है ठाकुर जी का इच्छा करके एक इंटेलिजेंट आदमी को पूछा वो तो जो कोई भड़काव में आने वाला नहीं है बोले आपने देखा कहाँ से आ रहे हो बोले वृंदावन से उधर जो कालिया दहो में कृष्ण नृत्य करता है आप देखा है बोले महा बोले महाराज ये बेकार बेकार क्यों पहले नित्य वित्त तो कुछ नहीं है जमुना का पानी में ये जो मछुआरे हैं ये रात का टाइम में मछली पकड़ रहा है और उसका दिया जल रहा है दिया जलाया रात का टाइम तो बिजली नहीं था उस समय ने, दिया जल रहा है दूर से दूर से दिया जलते हुए देखे वो सोचा का सोचे कि कालियानग का जो फनी है ये जो इसका अंदर में मनी है और जो मछुआरे नो जो बोट में छोटी सी बोट में ऐसा ऐसा कर रहा है वो सोचता है कृष्ण नित्य कर रहा है आई बात समझ में महाप्रभु बाद में विचार बताया ये देखो कलिकाल में काल में तो नहीं है तो कृष्ण कैसे प्रकाश में जब भी कृष्ण आया पूरा मथुरा का वृंदावन का आदमी हल्ला मच गया कि कृष्ण आया वृंदावन में पूरा वृंदावन में मथुरा में हल्ला मच गया कि कृष्ण आया है वृंदावन में सचमुच ये तो सच्चा बात है कृष्ण तो आया ही है लेकिन चैतन्य महापू कृष्ण है ये किसी को पता नहीं ये जो हल्ला मच गया जे वृंदावन में कृष्ण आया है ये झूठा नहीं है ये ठीक है लेकिन कृष्ण कहाँ है दे के नॉट डिटेक्ट कृष्ण जो आया है ये सच्चा बात है अभी वृंदावन में मथुरा में वृंदावन में कृष्ण आया है लेकिन कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आया है ये विचार नहीं बन रहा वो कृष्णों को ढूंढने जाए बलभद्र जी को महाप्रभु जी ने एक फटकार दिया बैठे रहो कृष्ण आया है बैठे रहो मेरा कहने का मतलब है जिन्होंने सिमन महाप्रभु के इतना रसोई करके खिलाया है पूरा तमाम ये इतना समय तक कितना साल लग गया तो इसका अंदर में क्यों ऐसा मेटेरियल दर्शन हो गया मेरा क्वेश्चन है आपका पास बलभद्र जी बहुत टाइम रुसी करके खिलाया होगा काला की दास पीछे चला होगा महाप्र का पीछे दैट इज नॉट द डॉक्यूमेंट दैट दे कैन गेट एस्टैब्लिश इन गुरु तत्व जो शिला बावनगुसि महाराज का साथ हुआ है ये तो पक्का बात है गुरु वैष्णव का सेवा के द्वारा यह महान पुरुष जिसका दिल में एक बूंद भी प्रतिष्ठा का कोई वासना नहीं था टेस्टेड एक बूंद भी शिलानबू सिंह महाराज का स्पेशलिटी क्या है ये कहने जाए तो हम पागल बन जाए कैसे कहे एक बूंद भी एक एक बूंद भी इनके हृदय में प्रतिष्ठा का कोई वासना नहीं था मैं ये सिद्धांत तो विचार कंप्लीट करके फिर आ रहा हूं कौन है ये महान वैष्णव जिसका तुलना मेरा जिंदगी में आज तक नहीं मिला तो कौन है ये महापुरुष बहुत सारे कहानी हैं कहानी कहते चाहे तो होगा नहीं हमारा कोशिश है सिलाभक्ति बिदंत बाम गुशी महाराज का बानु वानी स्वरूप का दर्शन करें ये विचार है गोविंद जी ने महाप्रभु जी का बहुत सेवा की है बाहरी विचार में रूप को सही पाद महाप्रभु के लिए एक बार भी रसोई नहीं किए शिला सनातन को सही पाद एक बार के लिए महाप्रभु के लिए रसोई नहीं किए शिला हरिदास ठाकुर एक बार के लिए रसोई नहीं किए आई बात समझ में कपड़ा नहीं धोए हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अगर बहुत बात एक दिन के लिए भी गौर बाबा बाबाजी महाराज का कपड़ा नहीं धुलाए किए रसोई करके खिलाया नहीं समझा आई बात समझ में तो बाहरी दुनिया का जो आदमी है ये इतना इतना बुद्धि कम है ये इसका विचार में नहीं बनता क्योंकि हर वक्त क्वालिटी हरिकथा सुनना चाहिए और वक्त सिद्धांत तो विचार फ्रॉम राइट सोर्स यूल हियर हरिका था नॉट फॉर वन आवर होल लाइफ कंटिन्यूसली फ्रॉम राइट सोर्स फिर उसके बाद आपका विचार आप अगर निष्कपट हो तो आपका अंदर में केपा जरूर आएगा नहीं तो नहीं आ सकता कहने का मतलब है कौन गुरु जी का कितना बार ऋषि किया है कौन कितना बार गुरु जी का कपड़ा धुलाई किया है कौन कितना गुरु जी का हिसाब किताब पैसा का है ना हिसाब रखा है दैट इज नॉट द डॉक्यूमेंट ये एविडेंस नहीं है इसके द्वारा आप नापने जाओ विचार करने जाओ किसका ऊपर गुरु गुरु की पास ज़्यादा हुआ है कैसे विचार करो ये विचार है इट इज दिस इज नॉट द स्टिक ये जो स्केल है आपने मापने जा रहे हो ये मापने वाला विचार चलेगा नहीं श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम जेने स्थापितम जेनो भूतले, जेनो केनो जिसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्टों का पूर्ति हो सकता ये पक्का गुरु सेवक है एक सेवक है श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या है श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोविश्व क्या है श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोविश्व क्या है तो दुनिया में पक्का जो साधु है ये अपना जिंदगी में आचरण करके भजन करके और अपना आचरण का प्रभाव भजन का प्रभाव दूसरे का हृदय में प्रभावित करे दूसरों का हृदय को प्रभावित करे जो जो पुराण का श्लोक है ना आचीनोती जो स्वास्थ्य स्वयं आचार्य स्थापित स्वयं आचार्य जस्मात आचार्यो सेनो कीर्तिता एक आचार्यों का नाम आचार्य क्यों है क्यों आचार्य जो है क्यों क्यों हर आदमी का नाम आचार्य क्यों नहीं है आजकल तो हर आदमी आचार्य का टाइटल ले ले जो है गोस्वामी है इसका ऑपरेशन किया जाए तो इतना गंदगी निकलेगा तो टट्टी पेशाब करने का भी इच्छा नहीं होगा वहां हमारा बात बुरा मत मानना उसका ऑपरेशन करो तो देखोगे इतना गंदगी निकल रहा है इसी का पीछे दुनिया दौड़ रहा है तो मरने दे दुनिया मरे हम क्या करें हम क्या करें मरने दो मरना चाहता है तो मरे क्या करें हम बचाए कैसे जो मरने का इरादा फसला कर लिया जो मरने का इरादा फसला कर लिया उसको बचाए कैसे हम मरे हम क्या करें परम पुजा केशव गोशी कहते थे ये परम पूजा केशव गोशी कहते थे जो वस्तु जहां नहीं है वहां से वो वस्तु प्राप्त करने के लिए जो इच्छा है ये कलिकाल का आदमी का ज्यादा है आई बात समझ में नहीं आए आई बात समझ में विच इज नॉट पॉसिबल टू गेट फ्रॉम दैट सोर्स वी एक्सपेक्ट वी कैन गेट दैट थिंग फ्रॉम देर जो वस्तु जहां से मिल नहीं सकता कदापि संभव नहीं है लेकिन मैं आशा रखते हुए उसका पीछे दौड़ रहा हूं वो कपट है मक्कार है धोखेबाज है भक्ति बोल के कुछ नहीं है जो गुरु सेवा किया है बोल के दावा कर रहा है तो गुरु सेवा किया है बोल के दावा कर रहा है बा हमारा सांस्कृत में एक कथा है एक चलता है बंगाली में वृक्षोत्तमर नाम की परिचय परिचॉ दिस इज जैक फ्रूट ये कठाइल का वृक्ष है या तो आम का पेड़ है यह तो जाम का पेड़ है हाउ टू रियलाइज ये आम का पेड़ है इसका फल देख के पता चलता है ये जैकफ्रूट है कठाइल का पेड़ है इसको फल देख के पता चलता है हमारा तो फल क्या है जिन्होंने अपना जिंदगी में सिलो भवन से महाराज जैसा गुरु सेवा किया है और उसका जिंदगी में तत्व ज्ञान नहीं मिला वो पैसा का पीछे दौड़ रहा है कुत्ता का मापिक हाउ इज दैट पॉसिबल यू कैन नॉट मेक फुल ऑफ मी दुनिया को बुका बना सकते हो लेकिन मेरे को बुका बना नहीं सकते संभव नहीं है क्योंकि इट्स लाइक मैथमेटिक्स जैसे मैथमेटिक्स है ना मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन है अगर एक कैलकुलेशन गलती हुआ तो टोटल जो मैथमेटिक्स है पूरा वो जीरो पूरा बेकार हो जाएगा परमज केशव गुस्म आज कहते थे आजकल का जमाने में जो चीज जहां से मिलने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वी आर सो इडियट एंड फूलिश, वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट थिंग फ्रॉम देयर भक्ति मिलने के लिए दूर रहा है अरे उसका कुछ नहीं है भागो तो भागो भवन गुस्से इमारत के पीछे भागो तो मैं सोचू कि बाप की बेटा हो भागो देखो भक्ति मिलता कि नहीं क्या चाहिए क्या चाहिए आपको वट यू नीड एक्चुअली पहले आपका इरादा फैसला करो क्या चाहिए भक्ति चाहिए ये हरिकथा आदि वट फॉर ये एग्जीबिशन है क्या क्या चाहते हो भक्ति चाहिए तो भक्ति अगर चाहिए तो जो जैसे सिद्धांत तो विचार ऐसा चलना चाहिए आपका मनमानी चलने से होगा नहीं मनमानी चलने से होगा नहीं ऐसे तो विचार ये आता है ये एक बच्चा छोटा सा बच्चा ये अपना पिता माता सब कोई को इग्नोर छोड़कर कैसे आ गया पोपात का दर्शन करने का साथ साथ विचार फैसला कर लिया हमको रहना है ये चैतन्यमठ में श्री केशव गोश्य महाराज जी ने परीक्षा ली परीक्षा की ये क्या ये तो नहीं है इसका अंदर में ये पोपात से मैंने हरिनाम प्राप्त किया किसी शिष्यों ने कई शिष्यों ने कई शिष्यों ने ऐसा प्रश्न किया बाबन गोसि महाराज को जे गुरु जी हमारा परम गुरु जी को कह सकते हैं ना नहीं क्यों कहोगे प्रश्न किया गुरु जी को क्या हम हमारा परम गुरु जी या कह सकते हैं प्रभपात जी को कह सके भागु से क्यों कैसे कहोगे मेरा गुरु जी परम भक्तिवेद भक्ति, भक्ति प्रज्ञान केशव गुस् महाराज ये मेरा गुरु जी है तो तुम्हारा परम गुरु जी कहां से बन गया तुम्हारा परम गुरु जी प्रोहपात कैसे बने ये तो प्रतिष्ठा के लिए कह रहे हैं ये सारे तमाम जो है मैंने देखे हैं श्री श्री हरिनाम प्रोपात से प्राप्त किया है वो ऐलान कर दिया ये ऐलान कर दिया मैं प्रहुपात का शिष्य हूं दिखा लिया ही नहीं क्योंकि अगर दिखा लेता तो दूसरा गुरु का नाम आ जाता हरिनाम लिया सिर्फ हरिनाम लिया प्रोपात से लेने के बाद पूरा ऐलान कर दिया मैं प्रोपात का शिष्य हूं अब कैसे होता है बोलो यहाँ तक कि अपना जो ये जो किताब निकाला है उसमें भी अपना नाम डाल दिया अपना नाम डाल दिया जब पोपात का पार्षद ये कैसे है पार्षद का माने क्या है परिषद का माने क्या है जिन्होंने अपना जिंदगी में गुरु वैष्णव का अभिगमन नहीं किया है ट्राई टू रियलाइज ट्राई टू गेट माई पॉइंट जिन्होंने अपना जिंदगी में गुरु जी का सिद्धांत तो विचार आचार आदर्शों का एक बुद्ध भी पालन नहीं किया है सिर्फ गुरु जी का पास रहा है कपड़ा धुलाई किया मेडिसिन दिया खाना बनाया बस हो गया पार्षद बस हो गया पार्षद वट डू मीन बाय पार्षद का मातल है जो गुरु जी का विचार सिद्धांत तो है जो कुछ भी है गुरु जी का आचार आदर्श सिद्धांत तो विचार जो कुछ भी है टोटो -टो, इन टोटो -टो, जिसका दिल में आ गया ये है स्निग्ध शिष्य इसका नाम है स्निग्ध शिष्य भागवत जी महापुराण में यह विचार आता है स्निग्ध स्व गुरुवो गुरुझम अपि गुतो स्निग्धोश शिष्य हो स्निग्धोश शिष्य गुझमती उपि उतो ऐसा कोई ऐसा कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है ऐसा कोई गुप्त सिद्धांत नहीं है ऐसा कोई गुप्त सिद्धांत नहीं है ऐसा कोई गुप्त विचार नहीं है जो गुरुजी अपना स्निग्ध शिष्यों स्निग्धों का ट्रांसलेशन करो ये शोभा रहता है लेकिन ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं है अंग्रेजी में डिक्शनरी में इसका कोई वर्ड नहीं आता स्निग्ध शिष्य स्निग्धो शिष्यों का ट्रांसलेशन अगर करो तो आप करोगे शोबर डिसाइब बाय आई कैन नॉट एडमिट इसका शब्दों मैचिंग साउ जो शब्दों नहीं है स्निग्धों का व्याख्या प्रोपा जी ने किया है स्निग्ध शिष्यों का विचार पोपा जी ने बताया है जिन्होंने गुरु जी का तमाम सिद्धांतों विचार आचार आदर्शों जो कुछ भी है जो कुछ भी इन टोटो अपना जिंदगी में ग्रहण किया शिष्य का जिंदगी में गुरु जी का जिसलिए जिसलिए बड़ा फाइटिंग हुआ इस विषय पर केशव अधीत बामन रूप तमाम जो आदमी ईर्षा ईर्ष परायण है इन लोगों ने फाइट किया और अभागा केशव करे नाम संकीर्तन श्रीला बामन गुसि महाराज जी ने विचार किया ये ये विचार मैंने भी एक ही विचार ये मेरा गुरु वर्ग है जे पहले ये नरोत्म ठाकुर नरोत्तम ठाकुर का बार नरोत्तम ठाकुर कीर्तन में लिखा है दाशो नरोत्तम कैनो नागलो मोरिया बांग्ला है दाशो नरोत्तम कैनो नागलो मोरिया दाश नरोत्तम क्यों नहीं मरा मर गया क्यों नहीं ये तो दैन्य है वैष्णवों का भूषण है दैन्य दैनों का मतलब ये मत समझो कि कपट भाव दैन्यो और कपट भाव टोटली सेपरेट दैनो क्या है और कपट भाव क्या है इसका एनालिटिकल डिस्कशन होनी चाहिए नहीं कि तमाम दुनिया को बोका बनाएगा मीठा बा मीठा बोली हिंदी में एक बात है मीठा छुरी इसका पास एक ही प्रॉपर्टी है वो आचार्यों का आसन में बैठा है एक ही चीज़ है वो मीठा बोली ये मीठा छुरी का दाद किसको काटो ये मीठा छुरी है और दुनिया का आदमी मर रहा है मीठा छुरी मीठा छुरी के दरा काट रहा है काटो मारो आप क्या करें इन लोगों का बस एक ही प्रॉपर्टी है ये लोग चैतन्य चौध्य से तो दो एक लोकल वाक्यों को उठा लिया ये इतना चालू है जैसे शंकराचार्य जी ने जैसे शंकराचार्य जी ने जैसे शंकराचार्य जी ने।, ने दो चार शब्दों को वेदांतों और उपनिषद से उठाया दो चार शब्दों जी भाई वो ब्रह्म ना पहा अहम ब्रह्मश्मी ये दो चार शब्दों को लोकल शब्दों को उठाकर मायावाद शरीरक शरीरक भाष्यों को स्थापन करने का प्रयत्न किया ऐसे ही वर्तमान समाज में जो गिदर गिदर है ना गिदर गिदर जैसा चालू है ये सब प्रचार कर रहा है ये दो चार लोकल शब्दों को उठा लिया चैतन्य चैतन्य काय मनोवाक्य के कार्य उद्वेग न दिवे ऐसा करके दो चार शब्द उठा के और प्रमाण करना चाहे हम वैष्णव है।, है हमारा करने का नहीं है ये सब प्रोग्राम का क्या अर्थ है वाट इज द आउटकम इफ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अगर जीवन जिंदगी में गहन करने के लिए तैयार नहीं है ये सब क्या दर का ये सब प्रोग्राम का सिर्फ अमन गुस्मार आचरण अगर हम अपना जिंदगी में ना ग्रहण कर सके तो क्या फायदा है ये नाटकबाजी है फायदा कुछ नहीं क्या फायदा है बताओ तो ये जो है स्निग्ध शिष्यों का हृदय में गुरु जी का तमाम संपत्ति जैसे पुरीपात का तमाम संपत्ति ईश्वर पुरीपात का अंदर पहुंच गया सिलगोर किशोर बाबाजी महाराज का ये तो इटर पर्सन है फिर भी मैं बोल रहा हूं तमाम शिला बामन गुस्सि महाराज का हृदय में केशव गुस्म महाराज का तमाम सिद्धांत तो विचार सारे एक भी जिंदगी में हमारा पूरा जिंदगी में एक भी देखा नहीं सिला बामन गुसि महाराज का सिद्धांत का सिद्धांत तो विचार का थोड़ा मिसकन्सेपन है रॉन्ग सिद्धांत तो है एक भी नहीं देखा बाकी आचार्य होगा जी हमारा बामन महाराज से हम कोई रिश्वत नहीं लिया हमने कोई रिश्वत नहीं लिया बामन गुस्सा महाराज से कि उसका गुणगान करते रहूं एक भी जिंदगी में उसका राइटिंग में लेखनी में कुछ भी एक भी मिस्टेक कोई नहीं है पक्का सिद्धांत तो विषा इससे साबित होता है ये गुरु जी का पक्का वास्तविक सेवक थे और गुरु सेवा करते करते गुरु सेवा करते करते जब शिष्य गुरुमय हो जाता है गुरु सेवा करते करते जब शिष्य गुरुमय हो जाता है तब ये स्वयं गुरु बन जाता है सेवा छोड़ के वास्तव सेवा छोड़ के गुरु जी का बानी सेवा छोड़कर किसी ने गुरु बन गया ये मेरे को दिखाओ एक प्रमाण नहीं बहुत दिन पहले आज से बारह चौदह साल पहले एक सभा में मैं उपस्थित था संतोष महाराज का विरह तिथि ना आविर्भाव तिथि उस समय में महाराज प्रकट थे उस समय में सभा बुलाया गया एक जगह इस सभा में सब कोई को सब महाराज लोग थे मेरे को भी बोलने का मोहलत दिया गया एक बड़ा भारी पंडित था बड़ा भारी पंडित जाने माने पंडित को महाराज जी का बाले में बोलने के लिए विनती किया आप भी बोलो इन्होंने बोला मैं गुरु जी का बारे में कुछ जानता नहीं हूँ बहुत बाद में आया है तो मैं कुछ दूसरा श्लोक सुना दूँ मैं हैरान हो गया अरे ये अगर पंडित है तो गुरु तो, कम से कम तो गुरु तत्व तो तो कह सकते एक किया नहीं मैंने हैरान हो गया जे कैसे हम समझे कि गुरु जी का किपा है ही हैज़ इज प्रोफेसेंसी ही हैज़ इ स्कॉलरशिप दैट डजेंट मीन ही इज इंजॉय गुरु कृपा अगर समय परमिट करे तो दूसरा समय हम चर्चा कर सके अभी तो समय कम है हम कहाँ तक चर्चा करें मैं दुखी हूँ एक चर्चा करने से कम से कम दो घंटा होनी चाहिए मैं दुखी हूँ चर्चा कर नहीं पाए श्रीला बामन गुस्से आज का बानी सौरभ का ये जो विचार है इच्छा रखते हुए कि इन फ्यूचर अगर ठाकुर जी का कृपा होए तो बानी शवरुख का यही टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते करते मैं विचार करके देखना चाहता हूँ जे कौन है ये महापुरुष कौन है ये महापुरुष और जो श्लोक के शुरुआत किया है इसका चर्चा कभी हो पाएगा जो गुरु का क्वालिटी जो है क्या होनी चाहिए ये जो गुरु का डेफिनेशन कृपा सिंधु सुसंकपूर्णो सर्वसत्वपकारक निष्प्रियो सर्वत सिद्धो सर्वविद्याशारद सर्व संशय संस्यता अनर्स गुरुराहित इसका फुल डेफिनेशन कभी हो पाएगा सिर्फ इतना ही समझ लो गुरु तत्व का इतना अनोखा डिस्क्रिप्शन किसी शास्त्र में नहीं है वांछ के बाद सिंधु भिष्य पथितान पावन नमो

हाँ समय खराब ना करे अ, अगर उत्तर मिल गया होगा हरिकथा में ही उत्तर मिल गया है तो क्वेश्चन क्या है ऐसा होता बहुत जिंदगी में मेरा हुआ है क्वेश्चन करने का था लेकिन हरिकथा सुनने का बॉब नो क्वेश्चन इज ओवर कोई क्वेश्चन नहीं है चलो कोई क्वेश्चन है तो बताओ হ্যাঁ হ্যাঁ একটু জোরে বলুন একটু জোরে বলুন স্পিক লাউডলি সো দ্যাট আই ক্যান হিয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিলাম যে একজন মানে যিনি গুরু দেন তিনি যদি গোপী ভাবে ভোজন করেন হ্যাঁ একজন গুরু দেন হ্যাঁ তিনি যদি গোপী ভাবে ভোজন করেন হ্যাঁ হ্যাঁ এবং যদি শিষ্য মানে তার কাছে যিনি দীক্ষা দিবেন হ্যাঁ हाँ। हाँ। देखु ये रखम प्रमाण अनेक आम प्रभुपाद चरणें आश्रय बांग्ला में दे हिंदी में दे प्रभुपाद का चरण में बहुत सारे आए हैं हमारा गुरु वर्गो इनमें से हमको पता है हमारा कृष्णदास बाबाजी महाराज कृष्णदास बाबाजी महाराज दास दा न तुम्हारा शौखो शौखो रस का वक्त था हमारा कृष्णदास बाबा जी महाराज जो वृंदावन में पावन सर में रहते थे तो ऐसा है यूँ विचार कर लो जैसे एक एक सौ रुपया का नोट है एक सौ रुपया का नोट का अंदर में दस रुपया स्वाभाविक है दस रुपया स्वाभाविक है तो ऐसा है बहुत सारे ये ये जो क्वेश्चन है इसका बहुत लंबा उत्तर है ये इतना सा समय में हो नहीं सकता जैसे श्यामानंदो का बारे में मैं कहूं कहना चाहूं श्यामानंदो गुरुदेव हृदय चैतन्य हृदय चैतन्य का गुरुदेव है जानते हो गौरीदास गोरिदा, गौरीदास पंडित ध्यान से सुने मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो श्यामानंद प्रभु ने दीक्षा लिया है किससे हृदय वी नो इट वेरी वेल हम लोगों को पता है हृदय चैतन्य जो लाइन में है गौरीदास पंडित वो शक्खो रस का है तो ये कैसे मधुर रस का बन गया ध्यान दे ये जब वृंदावन में गया राधा रानी ने खुद विचार बताया जे ये जो इसका तिलक चेंज हो गया सब कुछ चेंज हो गया है मैंने किया गुरु जी को बताया सपने में आके मैंने किया राधा रानी ने खुश किया जीव गोसिपात का संगो के फल जीव गोसाई पाद का संग है करते हरते रस में उन्नत्य हुआ बहुत सारे ऐसा उदाहरण है और गुरुदेव मधुर रस का भजन कर रहे हैं जब शिष्यों दीक्षा लिया है उस समय तो ये सब क्वेश्चन ही नहीं था ना मेरा बात ध्यान से सुनो जब शिष्यों ने आया है दीक्षा लेने के लिए गुरुजी कहा, का जैसे पोपात पोहात मधुर रस का है नयन मणि मंजरी तो हमारा गुरुवर्ग बहुत आए हैं जिनमें से कोई सारे हैं जो शक्शोरथ का भक्त है शक्ोरथ का भक्त है तो प्रोपा जी ने उसको दिखा दिया नहीं क्या दिया तो है तो ये अपना अपना भजन अपना जीव ये जीव तत्व के बारे में गो, गो, बहुत सारे सीक्रेट उत्तर है एक एक जीवात्मा का अपना अपना फिक्स स्वरूप है बहुत सारे प्रति संदर्भों इधर उधर मैंने बहुत सारे चर्चा किया अंग्रेजी में जीव तत्वों के बारे में वहाँ देखना खोल के ये जो है इसका फिक्स स्वरूप है फिक्स स्वरूप है और ये जो संगो है संगों का अनुसार जो सत्संगो मिलता है इसका सत्संग इज वन काइंड ऑफ कैटलिस्ट जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन बैठता है ना एक कैटलिस्ट रहता है गुरुजी जी उसका जो उसका जो नित्य स्वरूप है उसको तोड़ फोड़ कर नहीं कर सकता अगर शखोरस का गुरु जी का पास दिखा हो गया श्यामानंद का राधा रानी कह रही है कि ये मेरा है कनक मंजरी मेरा सखी है अब क्या करोगे आप क्या विचार बनाओगे आई बात समझ में ये सन नोट समझ में आए तो गुरु जी अगर किसी ने आया उसको दिखा दे सकता है बहुत सारे हैं हमारा गुरुवर्ग है वो कोई शख्खु रस है कोई बातल्य रस है ऐसा है तो हो सकता और और कोई क्वेश्चन तो अच्छा ठीक है मेरा एक विनती है जो लोग कीपा करके सुन रहा है ये किपा करके सुन के पूरा जो हरिकथा है इसको ग्रहण करने का कोशिश करे एक ग्रहण करने का कोशिश करे इसमें बढ़िया बेहतर फल मिले फल मिलेगा ओके वांछकल्पुर के पासिंद पिताक पावन भविष्णव्य हो नमो न